हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्विपोइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज़ फॉर क्लास 12। द एंटायर कोर्स वी हैव कवर्ड एंड द प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पूरा लिंक है, पूरे कोर्स हैं, उसमें सारे टॉपिक पे वीडियोज़ हैं। आप लिंक पे जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपको सारे टॉपिक कवर्ड मिलेंगे। वीडियोज़ देखो और पसंद आए तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहती हूँ, वीडियोज़ को लाइक करते रहो, लोगों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। नीचे जो रेड बटन है वो सब्सक्राइब बटन है और उसी के साथ बेल बटन है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। सो करेंटली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कवर कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ संदीप गर्ग, विच इज डिमांड। डिमांड में भी हम ऑलमोस्ट एक लास्ट लेग पर है डिमांड समझने के, जहां पे हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जहां पे हम बात कर रहे थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हाट, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, देन वी से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड वी वर टॉकिंग कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, बट डिमांड कर्व जो है वो सेम रहेगा, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। अगर डीडी एक डिमांड कर्व है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन अपने खुद के प्राइस की वजह से वो एक पॉइंट से या तो ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगा या एक पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आएगा, पर सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे घूमेगा, किसी और डिमांड कर्व पे नहीं जाएगा। दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो आज हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, विच इज एक्चुअली चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब मैंने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला क्योंकि इस लेक्चर में पूरे के पूरे में हम ये समझेंगे कि जब कोई भी अदर फैक्टर होता है, किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर सेम रहता है, अगर किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज नहीं होता पर कोई बाहरी फैक्टर्स होते हैं उन वजह से अगर डिमांड चेंज हो जाती है उस कमोडिटी की, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सेम एज बिफोर, तो हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। और वो डिमांड में चेंज आता है उस वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। अब ठीक है, पहले मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि उस कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज हो रहा था, लेकिन अब उस कमोडिटी का खुद का प्राइस सेम है, उसके खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो बाहर वाले फैक्टर्स है उस वजह से अब डिमांड पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, या तो बाहर की तरफ होगा राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड पीछे की तरफ होगा, लेकिन शिफ्ट होगा, अब सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं होगी। सो इसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जो चीज़ मैंने आपको भी समझाई उसी को बोर्ड पे देख लेते हैं क्या लिखा है। When the demand of a commodity changes due to change in any factor other than own price of the commodity, it is known as change in demand. So as I said, बिल्कुल वही लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, फटाफट एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या कह रहा है आपका, कि चेंज इन डिमांड हो रहा है, चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। अब खुद का प्राइस सेम रहेगा उस कमोडिटी का, बाहरी फैक्टर्स में चेंज आएंगे। इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट किस तरीके का हो सकता है, तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा, जैसे मैंने कहा राइटवर्ड होगा। क्यों होगा, अब ये भी मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका डिमांड है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपका प्राइस है, ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व है डीडी। ठीक है, आपका प्राइस मैंने ले लिया यहाँ पे, पी प्राइस है आपका, एक्स कमोडिटी आपकी डिमांड हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपका जो प्राइस है उसमें चेंज नहीं आ रहा। जब हमने मूवमेंट देखी थी तो क्या देखा था, सेम डिमांड कर्व पे अगर ए पॉइंट पर हो, ए से या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, पर सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगी आपकी। लेकिन अब आपका जो प्राइस है वो सेम रहने वाला है, सेम प्राइस रहेगा, लेकिन डिमांड कर्व अब शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड आपकी कब होगी, कोई भी फैक्टर जो इंक्रीज इन डिमांड ला रहा है, फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, रीज़न क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है राइटवर्ड का मतलब क्या है और लेफ्टवर्ड का मतलब क्या है। राइट का मतलब है डिमांड कर्व अगर ये है तो अपने राइट साइड, ये पूरा राइट साइड है, राइट साइड में कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बोल दिया यहाँ पर ये वाला डिमांड कर्व हो गया आपका D1। ठीक है, राइटवर्ड यानी प्राइस, सेम प्राइस पे अगर मैं ओपी, सेम प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। अब अगर सेम प्राइस पे देखूं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करके X1 ले पा रहे हैं नए डिमांड कर्व पे होके, अब आप B पॉइंट पर आ गए हैं और B पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्राइस सेम है, अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सेम प्राइस पे अब ज़्यादा क्वांटिटी ले पा रहे हो, यानी डिमांड आपकी चेंज हो रही है।
राइटवर्ड शिफ्ट आया है, मतलब डिमांड इंक्रीज हुई है, और डिमांड इंक्रीज होना एक फेवरेबल आउटकम होता है. सो बेसिकली ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस. सो सेम प्राइस पे अगर फेवरेबल फैक्टर में चेंज आया है, मतलब किसी फैक्टर में चेंज आया है विच इज़ इन योर फेवर, विच इज़ अ फेवरेबल चेंज, एंड व्हेन अ चेंज इज फेवरेबल, जब कोई भी आपको जो इंक्रीज है वो मिल रहा है, कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है. सो यहाँ पे आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपको इंक्रीज कमोडिटी मिल रही है. किसी को क्या नहीं अच्छा लगेगा अगर किसी पेन का प्राइस सेम है और उस सेम प्राइस पे आपको चॉकलेट्स पसंद है, तो अगर चॉकलेट्स का प्राइस 10 रुपये है, पहले आप उस 10 रुपये में अगर 10 चॉकलेट खरीदते थे, अब आपको सेम प्राइस पे ज़्यादा चॉकलेट मिल रही है, यानी प्राइस इंक्रीज नहीं या डिक्रीज नहीं हुआ है, फिर भी आप ज़्यादा चॉकलेट ले पा रहे हैं ड्यू टू सम फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, राइट. सो ये राइटवर्ड शिफ्ट है. अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा, डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड एरिया ये पूरा है. सो डिमांड कर्व को अगर मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे आपका एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाता है D2, यानी सेम प्राइस पे अब आप कम कमोडिटी डिमांड कर पाएंगे X2, यानी कोई अनफेवरेबल चेंज आया है. सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस. प्राइस सेम है, प्राइस पी ही रहा, पी प्राइस पे अब कम डिमांड हो रही है. क्यों? क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व, क्योंकि कोई अनफेवरेबल चेंज आ गया है आपके डिमांड कर्व में. ठीक है, ये डायग्राम से हमने समझा कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट क्या होती है, राइटवर्ड मूवमेंट क्या होती है. अब बेसिकली ये वाला पार्ट कवर करने के बाद हम चलेंगे इस तरफ और हम समझेंगे रीज़न क्या है शिफ्ट के. अभी हमने समझा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन अभी भी दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया, लेकिन उस शिफ्ट का रीज़न क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आया, यानी वो जो बाहरी फैक्टर है अदर देन द प्राइस, वो फैक्टर्स कौन से हैं. तो वो सारे रीज़न ये हैं, वो सारे फैक्टर ये हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या, इन ये फैक्टर्स हमने पहले कहीं देखे हैं. ठीक है, पहले अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं. दीज आर नथिंग एल्स बट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विच वी स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिमांड. ठीक है, जब हमने डिमांड चैप्टर शुरू किया था तो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे कि डिमांड को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं. डिमांड को खुद का प्राइस तो इन्फ्लुएंस करता ही है, पर बाकी कौन से फैक्टर्स होते हैं, बाकी फैक्टर्स होते हैं आपके चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. चलो एक एक फैक्टर लेंगे, ठीक है, और एक एक फैक्टर पे डायग्राम बना के देखेंगे कि हो क्या रहा है. तो बेसिकली आपका मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे डी है आपका, यहाँ पे डिमांड है, डी आपका ये हो गया, यहाँ आपका प्राइस हो गया. हमें पता है प्राइस तो आपका सेम रहेगा पी, ठीक है, प्राइस सेम है आपका पी. उसके बाद आपकी जो कमोडिटी आप पी पे डिमांड कर रहे हो अभी वो एक्स हो गई, ठीक है, ये हमें पता है. अब आपका प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड चेंज हुआ, चेंज हम पहले अज्यूम करते हैं प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड आपका इंक्रीज हुआ, टी कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस आपका इंक्रीज हुआ. कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होते ही आपने कॉफ़ी पीनी बंद कर दी और कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट कर दिया टी से, टी की डिमांड बढ़ गई, यानी सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस अगर बढ़ गया तो वो गुड महंगा हो गया, तो अब आप वो गुड यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे जो आप गुड यूज़ कर रहे हैं. तो सेम प्राइस है चाय का, यह आपका चाय की बात हो रही है, चाय का सेम प्राइस है यहाँ पे, लेकिन सेम प्राइस पे क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी महंगी हो गई, कॉफ़ी पीनी कम कर दी तो आपने चाय पीनी ज़्यादा कर दी, यानी चाय की डिमांड अब आपकी बढ़ गई और राइटवर्ड शिफ्ट हो गई D1, यानी सेम प्राइस पे, चाय का प्राइस चेंज नहीं हुआ, सेम प्राइस पे अब आप ज़्यादा चाय ले सकते हैं, यानी X1, चाय आपकी इतनी क्वांटिटी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया. यहीं अगर आपकी कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए, कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो अब चाय का प्राइस सेम है, चाय की मार्केट ये रही, लेकिन हम कॉफ़ी का सोच रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड का, कॉफ़ी सस्ती हो गई तो आपने कहा अब आप चाय नहीं, अब आप कॉफ़ी पियोगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो गई. तो प्राइस चाय का सेम है लेकिन कॉफ़ी सस्ती होने की वजह से आप कॉफ़ी पीने लगे, यानी आपने टी पीनी कम कर दी, चाय पीनी कम कर दी, तो आपका डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया. सेम प्राइस रहा, सेम प्राइस पे
जो नई डिमांड हुई वो X2 हो गई, यानी आपकी डिमांड कम हो गई चाय की। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आया, इसीलिए राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपके गुड की डिमांड इंक्रीज हुई, राइटवर्ड शिफ्ट आया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया जब सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो गया तो आपने वो खरीदना शुरू कर दिया, ये वाला खरीदना कम कर दिया, तो सेम प्राइस पे अब आपने इसकी डिमांड कम कर दी, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया और आपकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, ये आपका चेंज इन डिमांड हो गया। मैंने केस स्टडी लेके पूरा डायग्राम समझा के इसीलिए समझाया ताकि आपको एक एक फैक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे फिर से हम आपका प्राइस है यहाँ पे और आपका डिमांड कर्व है। अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में अगर चेंज आया है तो यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, प्राइस है और कमोडिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हम ले लेते हैं टी एन शुगर। कोई इंसान जो मीठी चाय पीने का शौकीन है तो वो मीठी चाय ही पिएगा, अगर चाय में चीनी नहीं होगी वो चाय नहीं पिएगा। ये एक अजम्पशन है, आप अजम्पशन मान के चलो। अब क्या हुआ, आपकी चीनी का प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, चीनी का प्राइस बढ़ गया, चीनी महंगी हो गई। तो आप दिमाग लगाओ, अगर आप चाय चीनी के साथ ही पीते हो तो आपकी ओवरऑल चाय महंगी हो गई। चीनी महंगी की होने की वजह से आपकी चाय महंगी हो गई, और चाय महंगी होने पे आपने सेम प्राइस पे भी चाय की डिमांड कम कर दी, यानी आपकी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई और आपने सेम प्राइस पे डिमांड कम कर दी अपनी, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी चीनी महंगी हो गई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आपकी चीनी सस्ती हो गई, चीनी सस्ती मतलब क्योंकि आप सिर्फ चीनी वाली चाय पीते हो, चीनी सस्ती होने की वजह से आपकी जो ओवरऑल चाय है वो सस्ती हो गई, यानी सेम प्राइस पे अब आप ज़्यादा चाय पीने लगे, यानी आपकी डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया और सेम प्राइस पे अब आप ज़्यादा चाय पीने लगे X3। ठीक है, ये आपका चेंज इन डिमांड हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। अब हम इसको इसीलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें जाने की हमें नीड नहीं है। अब आपका डिमांड कर्व मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये आपका एक्स है, डिमांड हो गया, ये आपका पी हो गया, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे प्राइस है। आई होप ये क्लियर है, बार बार मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी आपका वाई, इनकम हमने वाई ली है, अब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई। तो इनकम जब बढ़ती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम होती है, नॉर्मल गुड है तो डिमांड कम होती है। सो बेसिकली इनकम बढ़ गई तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। इनकम अगर आपकी कम हो रही है तो सेम प्राइस रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा, बट क्योंकि अब आपकी इनकम कम हो गई है, आप अफोर्ड कम कर सकते हैं चीज़ें, तो आप डिमांड अपनी कम कर देंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, डिमांड आपकी हो जाएगी कम। लेफ्टवर्ड शिफ्ट आते ही सेम प्राइस पे भी आपकी डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद क्या फैक्टर है, अगला फैक्टर है आपका चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यहाँ पे ले लेते हैं आपका स्किनी जीन्स ले लेते हैं, स्किनी जीन्स या फिर लूज फिट जीन्स ले लेते हैं। लूज फिट जीन्स का आजकल फैशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है आपकी लूज फिट जीन्स को, मार्केट है उसकी। सो यहाँ पे डिमांड है लूज फिट जीन्स की, ये उसका प्राइस है, ये इतनी डिमांड है, कमोडिटी इतनी डिमांड हो रही है। अब क्या हुआ, मार्केट में अचानक से फैशन चला और लूज फिट जीन्स बहुत पॉपुलर हो गई, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी तरफ फेवरेबली चेंज हो गया, यानी अब आप उसके फेवर में हो गए, अब आपने कहा इसका ट्रेंड है, तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी उस तरफ भागा। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस लूज फिट जीन्स का हुआ तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस उसके सेम पे अब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और आप उसकी ज़्यादा कमोडिटी खरीदेंगे क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस तरफ बढ़ गया। सडनली अब क्या हुआ कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस हट गया, लूज जीन्स आपने पहननी छोड़ दी, अब आपका स्किनी फिट जीन्स पे फोकस चला गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो गया लूज फिट जीन्स की तरफ, तो सेम प्राइस पे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा और सेम प्राइस पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन डिमांड। अब आप देख रहे हो गुड के प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, गुड का अपना प्राइस हमेशा सेम है। गुड का अपना प्राइस ऊपर या नीचे होता तो क्या होता, मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड कर्व, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। बट आज क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेम है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि प्राइस सेम है इसलिए डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। प्राइस हमेशा सेम है,
प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में चेंज क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बेसिकली अब हर पॉइंट का डिफरेंस नहीं बता रही, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो आपको मूवमेंट में और उसमें हेल्प करेगी। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी कमोडिटी है। सेम आपका यहाँ पे ये डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्राइस है, ये आपकी कमोडिटी है। अब अगर प्राइस किसी कमोडिटी का कुछ चेंज हो, चाय की बात कर लेता है, चाय महंगी हो जाएगी तो चाय का प्राइस बढ़ गया है, P1 हो गया है। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अगर पहले A पे था डिमांड कर्व पे, प्राइस बढ़ गया तो आप चाय की डिमांड कम करेंगे, तो चाय की डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से A से B पे आ गए। यानी सेम डिमांड कर्व पे आप ऊपर नीचे खेल रहे हो, आप पहले A पे थे आप B पे आ गए, सेम डिमांड कर्व पे आप ऊपर हो गए, यानी ये मूवमेंट हो गई। मूवमेंट क्यों हुई, क्योंकि खुद का प्राइस चेंज हुआ है। लेकिन अगर चाय का यहाँ पे खुद का प्राइस चेंज हुआ है, इसलिए हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, ठीक है, दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन चाय में जो सब्सटीट्यूट गुड है यानी कॉफी है, कॉफी अगर आपकी महंगी हो गई है, कॉफी महंगी हो गई है या कॉफी सस्ती हो गई, तो सब लोगों ने कॉफी पीना शुरू कर दिया, तो चाय का प्राइस अभी भी यही है, चाय का प्राइस ही है, चाय का खुद का प्राइस अब चेंज नहीं हो रहा, चाय का खुद का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बट कॉफी सस्ती हो गई तो लोगों ने चाय पीनी कम कर दी। तो अब क्या हुआ, आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया है, इस वजह से आपकी डिमांड कम हो गई है सेम प्राइस पे। आप देख सकते हो डिमांड X1 हुई है, डिमांड पहले भी X1 हुई थी, डिमांड कम हुई थी, यहाँ भी डिमांड कम हुई है। यहाँ डिमांड कम होने का रीजन था खुद का प्राइस चेंज हुआ है चाय का, खुद चाय महंगी हुई है इसलिए डिमांड कम हुई थी, और मूवमेंट हुई थी सेम डिमांड कर्व पे, कोई नया डिमांड कर्व नहीं ड्रॉ किया था हमने। लेकिन अब क्या हुआ, डिमांड कम ही हुई है पर खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, खुद का चाय का प्राइस इतना ही है अभी भी, पर क्या हुआ, क्योंकि कॉफी आपकी सस्ती हो गई तो आपने कॉफी पीनी शुरू कर दी, तो अब आपने चाय पीनी कम कर दी, तो डिमांड पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। यानी मूवमेंट नहीं हो रही, डिमांड पे ऊपर नीचे नहीं घूम रहे हम, हमने नई डिमांड पर आ गए और सेम प्राइस पे आपने डिमांड कम कर ली, तो इसे चेंज इन डिमांड बोलेंगे, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड। इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। जो ऊपर है वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो नीचे है वो है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, जो आज हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पिछले लेक्चर में हमने ये पूरा पढ़ा था, रीजन ये थे मूवमेंट, ये है शिफ्ट। दोनों में एक्स से एक्स वन पे आ गए, कम हो गई, लेकिन दोनों में एक्स से एक्स वन तक जाने का जो पूरा रीजन है, जो पूरा बैकग्राउंड है, वो दोनों में बहुत डिफरेंट है। यहाँ खुद का प्राइस चेंज हो रहा है या खुद के प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ हम सेम डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा है, या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, उस वजह से आपका डिमांड में चेंज आएगा। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर है। अब हम यहाँ तक फोर्थ पॉइंट तक हमने कर लिया था, उसके बाद और क्या रीज़न हो सकते हैं आपके, अदर फैक्टर्स और कौन से हैं जिस वजह से डिमांड शिफ्ट होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, सो फ्यूचर प्राइस अगर आपको उम्मीद है बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी डिमांड है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी कमोडिटी है। फ्यूचर में आपको उम्मीद है कि किसी कमोडिटी का, इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज इस कमोडिटी का प्राइस P ही है, लेकिन आप आज ही इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, इससे बेटर है अभी खरीद लो, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो सेम प्राइस पे अब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। फ्यूचर में अगर आपको उम्मीद है ये सस्ती हो जाएगी, तो आज इसका सेम प्राइस पे आप कहेंगे कि नहीं अभी तो ये महंगा है, जब फ्यूचर में पता है सस्ती होगी तो तब खरीदेंगे, तो आज इसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी सेम प्राइस पे अब इसकी डिमांड कम होगी, ठीक है, ऐसे शिफ्ट आएगा। उसके बाद चेंज इन पॉपुलेशन, अब आपको ये भी याद होगा कि ये सारे फैक्टर्स आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड आर द डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। तो अब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन चेंज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा आपका, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी डिमांड है, पॉपुलेशन आगे, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो। अब जो फैक्टर हम देखेंगे वो है चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन से आते ही अब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट हैं और ऊपर वाले फैक्टर्स प्लस बाकी तीनों फैक्टर्स आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड।
सो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, आपकी डिमांड ऑब्वियसली सेम प्राइस होगा लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है. अचानक से किसी दिन बहुत ज़्यादा डेथ हो जाएंगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो आपका सेम प्राइस पे डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, डिमांड कम होगी या डिमांड आपकी बढ़ेगी चेंज इन पॉपुलेशन की वजह से. चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगी, सब में बराबर की इनकम बटेगी, तो क्या होगा, अगर आपकी डिमांड इतनी है, प्राइस इतना है, कमोडिटी इतनी डिमांड हो रही है, तो अब क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे लोग डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी आपकी. और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी गरीबों में कम है और अमीरों में ज़्यादा है, तो एक लिमिटेड सेट डिमांड करेगा पॉपुलेशन का और बाकी लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ऐसे ही आपका चेंज इन सीजन इन वेदर, तो अगर मैं अम्ब्रेला की मार्केट लूँ या हीटर की मार्केट लूँ, किसी भी चीज़ की मार्केट लूँ, चलो अभी मॉनसून सीजन ले लेते हैं और हम डिमांड लेते हैं, और ये आपका अम्ब्रेला मार्केट है, अम्ब्रेला का प्राइस है, अम्ब्रेला की कमोडिटी है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, सीजन एंड वेदर में चेंज हुआ, मॉनसून सीजन आया, अम्ब्रेला मार्केट है ये. मॉनसून सीजन आते ही, मॉनसून सीजन में क्या हुआ आपका, या फिर हम ये हीटर की मार्केट ले लेते हैं, किसी भी चीज़ की मार्केट ले लो, चलो फाइनल है हीटर की मार्केट ले ली है. तो अब क्या हुआ, ये हीटर की मार्केट है, और चेंज इन सीजन एंड वेदर का मतलब है, अगर मैं अभी समर सीजन लूँ, क्या समर सीजन में हम में से कोई भी हीटर का सोच रहा है, हम में से कोई भी हीटर सोच भी ना, जहाँ पे एसी चलाने की नौबत आ रही है वहाँ पे कोई हीटर के बारे में क्यों सोचेगा. तो यानी सेम प्राइस है अगर हीटर का, हीटर का प्राइस अगर उतना ही है जितना हमेशा होता है, लेकिन अब हीटर की डिमांड जो है वो कम है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इस वजह से सेम प्राइस होने के बावजूद हीटर की डिमांड आपकी कम है. यहीं अगर विंटर सीजन आ जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाए कि आप लोग का हीटर के बिना काम नहीं चल रहा, तो सेम प्राइस पे अब आपकी डिमांड क्योंकि बढ़ जाएगी, तो अब क्या होगा, आप हीटर ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. सो बेसिकली हमने हर रीज़न से, आपकी बुक में तो सिर्फ रीज़न मैंशनड है, लेकिन हमने डिटेल में जाके यहाँ सिर्फ चेंज मैंशन है, पर आप समझेंगे कि हमने चेंज में दोनों तरह के चेंज समझाने की कोशिश की. एक एक फैक्टर में चेंज हमने इंक्रीज भी देखा, डिक्रीज भी देखा, और इंक्रीज और डिक्रीज डायग्राम पे कैसा दिखेगा वो भी देखा. आपकी बुक में सिर्फ ये रीज़न मेंशन है, 8 रीज़न बता दिए हैं कि डिमांड कर्व में शिफ्ट क्यों आता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड क्यों आता है, क्योंकि ये फैक्टर्स होते हैं. लेकिन ये फैक्टर्स में इंक्रीज होगा तो कौन सा राइटवर्ड मूवमेंट होगी, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगी, और विद एग्जांपल हमने पूरा पूरा डायग्राम के साथ दोनों तरह के चेंज देखने की कोशिश की, इंक्रीज भी डिक्रीज भी. विद दिस वी फिनिश अप दिस टॉपिक. आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व फिनिश हो गया, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व फिनिश होते ही मूवमेंट वाला पार्ट जो लास्ट वीडियो में कवर हो गया था, और शिफ्ट वाला पार्ट आपका इस वीडियो में कवर हो गया है. So with this, there's just a small portion of demand chapter which is left, which not many people cover, but I will want to cover it. जो आपका substitute और complementary goods में हम दिखाएंगे कि demand curve में कैसे impact पड़ता है, ऐसे ही हम normal और inferior good में दिखाएंगे. So next two videos also would be dedicated to demand chapter only. But this shift is like shift in demand curve is finished. So with this I'll wrap up this video, and काफ़ी effort जाता है. So अगर आपने इतना देख ही लिया है, so please video like कर देना, लोगों में share करो, आगे काफ़ी लोगों को help करो इसके through, और channel को please subscribe करते रहो. And till the next time we meet, please take care, because corona के cases फैल रहे हैं, so please थोड़ा घर में रहो और अपना ध्यान रखो. Bye bye.